हरियाणा में चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है। रेवाड़ी से भाजपा के प्रत्याशी सुनील यादव मुसेपुर के समर्थन में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जनता से वोट की अपील की है और इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेवाड़ी की जनता भाजपा को वोट नहीं करती थी लेकिन आज रेवाड़ी की सारी वोट भाजपा को ही मिलती है, इससे भाजपा का जनाधार बढ़ गया है। हरियाणा की राजनीति के कद्दावर नेता कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह ने कैप्टन अजय सिंह यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस में मुख्यमंत्री का दावा करने वालों को केवल एक ही टिकट मिली है, वो भी अपने बेटे की। अगर रेवाड़ी की जनता ने उन्हें मौका दे दिया तो वह कुछ भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आने वाले 10 सालों तक कांग्रेस सत्तासीन नहीं होगी। हरियाणा में कांग्रेस का 10 साल तक कोई बोलबाला नहीं है। कांग्रेस से तो नाश हो गया। आज के दिन यहाँ के जो MLA जो चीफ मिनिस्टर का दावा करा करते थे एक टिकट लेकर के आए अपने बेटे की, और अगर बन भी जाएगा तो कुछ नहीं बन सकता, कभी कांग्रेस सत्तासीन नहीं होगी। रेवाड़ी से निर्दलीय उम्मीदवार और बीजेपी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 2014 में रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा था कि मेरा लास्ट चुनाव है, अगली बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। हालांकि मैंने चुनाव में उनकी मदद की थी लेकिन अब वो बीजेपी के उम्मीदवार की टांग खींच रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि रणधीर सिंह कापड़ीवास को टिकट मिल जाता तो बीजेपी बहुत अच्छी होती और राव इंद्रजीत सिंह भी बढ़िया होते। पिछली बार इसने मदद करी, रणधीर सिंह की मदद करी, मैंने मदद करी, रणधीर सिंह की मदद करी, तो भाई आज रणधीर सिंह का मैं नाम ले लेता कि भाई रणधीर सिंह को टिकट दे दो और रणधीर सिंह को टिकट मिल जाती तो बीजेपी बहुत बढ़िया। तो इंद्रजीत सिंह बीजेपी का सोने का घड़ा हुआ मोरा, और रणधीर सिंह को टिकट नहीं मिली और सुनील को मिल गई तो इंद्रजीत सिंह नकली। भाई 4 बार आप पहले इलेक्शन लड़ चुके हो, हमने आपकी मदद करी है, आपने ये कहा था कि अगली बार हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, नए पार्टों को लगाओ लगने लो, वो कैकड़े वाली क्यों बात कर रहे हो, क्यों खींच रहे हो उसकी चाल। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा वकील का बेटा वकील बन सकता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता, इसलिए टिकट मांगना सबका अधिकार है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। रेवाड़ी की जनता को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री केवल अपने क्षेत्रों का ही विकास करते थे लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी ने समान रूप से सभी क्षेत्रों में विकास किया है, 5 सालों में किसी के साथ अत्याचार नहीं हुआ। तभी मेरी बेटी बोल रही थी कि मैंने टिकट मांगा, सभी का अधिकार है, पीछे वाला भी मांगेगा आगे वाला भी मांगेगा। जब वकील का बेटा वकील बन सकता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस बन सकता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बन सकता है, तो भाई नेता का बेटा बेटी क्यों नहीं बन सकता, कोई पूछे, मांगना तो अधिकार है लेकिन नहीं मिली कोई बात नहीं। इस बार के मुख्यमंत्री, इस बार की पार्टी मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ा कि सराबर सबको एक आंख से आता, चाहे वो किसी जिले का था। सुनील मुसेपुर ने बीजेपी का आभार जताते हुए कहा कि बीजेपी की मेहरबानी है कि मुझ जैसे अंतिम पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति को आज पहली पंक्ति में बीजेपी ने खड़ा किया है। अगर 5 साल जनता ने मुझे मौका दिया तो 5 साल में मेरी वजह से राव इंद्रजीत सिंह पर कोई दाग नहीं आने दूंगा, बेदाग राजनीति के साथ जनता के साथ चलूंगा। मेहरबानी हुई कि मेरे को उस पिछली लाइन से उठा के अगली लाइन में बिठा दिया, मैं इसके लिए और मेरे पास शब्द कम है जिसकी जो मैं कहना चाह रहा था वो भी नहीं कह पा रहा, पर इतना जरूर है कि जो राव साहब ने पिछले 40 साल में जो सम्मान जो ईमानदारी की यहाँ मिसाल बनाई उसमें मेरी वजह से अगले 5 साल जब तक मैं रहूंगा मैं मेरी वजह से राव साहब की छवि पे किसी तरह का कोई दाग नहीं लगाऊंगा।
इस दौरान रणधीर सिंह की बेटी आरती राव ने भी कहा कि 2014 में मैंने रणधीर सिंह का प्रवास के लिए रेवाड़ी की जनता से वोट मांगे थे। अब बीजेपी ने सुनील यादव मुसफ्फपुर को चुनावी मैदान में उतारा है तो मैं उनके लिए प्रचार कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि आप सब ये जो रंजिशें हैं आप उनमें ना बहें, आप भाजपा के लिए वोट दें ताकि जो हमारा रुतबा है वो बरकरार ही ना रहे, उसको हम बढ़ाएं। आने वाले वक्त में रेवाड़ी की एक ऐसी जगह हो, ये सब याद रखें कि दक्षिण हरियाणा का दम क्या है। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है आने वाले वक्त में कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलें, भारतीय जनता पार्टी के कमर के बटन को दबाएं और सुनील यादव को विजयी करें। रेवाड़ी में नकली बीजेपी और असली बीजेपी का खेल चल रहा है। रणधीर सिंह कापड़ीवास को टिकट ना मिलने की वजह से वे अपने आप को असली बीजेपी कह रहे हैं। बीजेपी ने जिस प्रत्याशी सुनील यादव मुसेपुर को टिकट दिया है उन्हें नकली बीजेपी कह रहे हैं। हालांकि रणधीर सिंह ने नकली बीजेपी और असली बीजेपी का चेहरा भी बताया, लेकिन 24 तारीख को रेवाड़ी की जनता तय करेगी असली बीजेपी को मौका देती है या नकली बीजेपी को। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज़।